हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि अपन ट्रांसफॉर्मर की यूनिट पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मर में अपन ने ट्रांसफॉर्मर के वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा, उसके बाद में ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन पढ़ा। तो ट्रांसफॉर्मर के कंस्ट्रक्शन में अपन ने डिफरेंट टाइप के पार्ट्स पढ़े उसके। आज अपन पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर के टाइप्स, यानी कितने टाइप्स के आपके ट्रांसफॉर्मर काम में लिए जाते हैं। तो जनरली जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो अलग अलग जगह से यूज होते हैं, जैसे आपके पावर जनरेशन होती है वहाँ पे काम में होते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है वहाँ पे काम में लिए जाते हैं, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन होता है वहाँ पे काम में लिए जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपके ट्रांसफार्मर आपके 5 टाइप के होते हैं। तो जो आपका फर्स्ट जो है वो आपका अलग अलग जो क्लासिफाई किया हुआ है इनको, तो वो उसके अकॉर्डिंग टू वर्किंग हो सकता है, या उसकी कंस्ट्रक्शन हो सकता है, या उसका डिजाइनिंग के अनुसार उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका टाइप है बेस ऑन वोल्टेज लेवल। तो वोल्टेज लेवल के अकॉर्डिंग आपका जो ट्रांसफॉर्मर होता है इसको दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है। इसके बारे में अपन ने पहले ही पढ़ा था कि दो टाइप का ट्रांसफॉर्मर होता है, एक स्टेप अप होता है, एक आपका स्टेप डाउन होता है। ठीक है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप वो ट्रांसफॉर्मर होता है जो आपको ये जनरली पावर जनरेटर और पावर ग्रिड के बीच में काम में लिया जाता है। इसमें जो भी आपका सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज होगा वो आपका इनपुट वोल्टेज से कम रहेगा, सेकेंडरी वोल्टेज रहेगा वो हमारा आउटपुट वोल्टेज, सॉरी सेकेंडरी वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज होता है वो इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा रहेगा। तो इसमें ज़्यादा करने के लिए क्या करते हैं, जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है और जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इसका मैं जो आपके नंबर ऑफ टर्न्स रखे जाते हैं उसके अनुसार ये स्टेप अप और स्टेप डाउन डिसाइड होता है। यदि आपकी सेकेंडरी कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, आपके N2 जो आपके टर्न्स हैं वो आपके ज़्यादा हैं N1 से, तो आपका आउटपुट वोल्टेज रहेगा वो आपका इनपुट से ज़्यादा रहेगा। ये कंडीशन आपको यहाँ पे सेटिस्फाई करनी है। देन स्टेप डाउन, स्टेप डाउन हाई वोल्टेज को ये आपके लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए जो स्टेप अप और स्टेप डाउन है वोल्टेज को ये कम ज़्यादा करता करने के लिए काम में लिया जाता है, तो उसी प्रपोर्शन में आपका जो करंट है वो ज़्यादा कम हो जाएगा। जैसे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है यहाँ पे आप जो आपका इन वोल्टेज इनपुट देते हैं वो आपको आउटपुट में बढ़ के मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो करंट होगी वो आपकी कम मिलेगी, यानी आउटपुट वोल्टेज यहाँ बढ़ रहा है तो आपकी करंट आपको कम के मिलेगी। स्टेप डाउन में क्या होगा, आपका आउटपुट वोल्टेज होता है वो आपको डाउन मिलता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपकी आउटपुट करंट रहेगी वो आपको बढ़ के मिलेगी। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं पावर जो आपकी होगी वो हमेशा इनपुट पे और आउटपुट पे वो हमेशा सेम रहेगी, सेम रहे। देन सेकेंडरी टाइप आपका ट्रांसफॉर्मर है बेस ऑन मीडियम। जो भी ऑफ कोर यूज, जो भी अपन कोर यूज लेते हैं वो किस टाइप के अपन कोर लेते हैं उसके अनुसार आपका ये दो टाइप का हो सकता है, एयर कोर ट्रांसफॉर्मर और आपका आयरन कोर ट्रांसफॉर्मर। एयर कोर ट्रांसफॉर्मर जो भी आपका प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है इसके बीच में जो भी आपका फ्लक्स लिंक होगा वो एयर के थ्रू होगा। तो इस कोइल को अपन सपोर्ट किस पे करते हैं, आपके नॉन मैग्नेटिक स्ट्रिप पे इसको लपेटते हैं, क्योंकि जो आपका वाइंडिंग होती है उसको भी लपेटने के लिए आपको एक सपोर्ट चाहिए।
तो वो सपोर्ट अपन नॉन मैग्नेटिक स्ट्रिप देते हैं। सेकेंडरी जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो आपका आयरन कोर ट्रांसफार्मर है, वाइंडिंग आर ऑन मल्टीपल आयरन प्लेट्स स्टैक टुगेदर विच प्रोवाइड ए परफेक्ट लिंकेज पाथ टू जनरेट फ्लक्स। ठीक है, जो भी अपन ट्रांसफार्मर में पड़ा है इसमें क्या होते हैं आपके लेमिनेटेड कोर काम में लेते हैं। लेमिनेटेड कोर आपके आयरन की भी हो सकती है, जनरली अपन कास्ट आयरन के अपन काम में लेते हैं। तो जो सपोर्ट करने का जो मीडियम है उसके अकॉर्डिंग ये आपका दो पार्ट का हो जाता है, एक एयर कोर एक आप आयरन कोर। देन थर्ड क्लासिफाई है बेस्ड ऑन वाइंडिंग अरेंजमेंट। तो वाइंडिंग अरेंजमेंट होता है उसको अपन कैसे करते हैं, तो आपका एक आपका सिंपल ट्रांसफॉर्म होता है जो नॉर्मली अपन सिंगल फेज में लेते हैं, अलग अलग वाइंडिंग अपन काम में लेते हैं। एक जो आपका होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर, इसमें क्या होता है इसमें जो भी आपकी एक ही वाइंडिंग काम में लेंगे, वन वाइंडिंग और लेमिनेटेड कोर, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल द सेम कोइल्स, ऑटो आल्सो मीन्स सेल्फ इन लैंग्वेज ग्रीक। इसमें क्या करते हैं आपका जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसका कुछ पार्ट अपन सेकेंडरी कोइल के लिए काम में ले लेंगे और जो पूरी की पूरी वाइंडिंग है वो आपके प्राइमरी वाइंडिंग के लिए ले लेंगे। तो इस टाइम में जो भी आपका आउटपुट वोल्टेज होता है वो सेल्फ रेगुलेट होता है, उसको अपन कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके लिए उसमें आपकी नोब होती है, एक तरीके से स्विच होता है, उसको अपन रोटेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आपका आउटपुट वोल्टेज इनपुट से फेज इन में हो रहता है या आपको आउटपुट वोल्टेज कम ज़्यादा मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका थर्ड टाइप का होता है बेस ऑन वाइंडिंग अरेंजमेंट। नेक्स्ट है बेस ऑन इंस्टॉलेशन लोकेशन है, छोटा पार्ट है कि आपका जो भी ट्रांसफॉर्मर है उसको अपन कहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्मर है। पहला है आपका पावर ट्रांसफॉर्मर, तो ये आपका जो पावर ट्रांसफॉर्मर होता है इसको जनरली अपन पावर जनरेशन वाली जगह पे अपन काम में लेते हैं। और कहाँ पे लेंगे, हाई वोल्टेज एप्लीकेशन जहाँ पे आपका हाई वोल्टेज का काम हो रहा है वहाँ पे अपन पावर ट्रांसफॉर्मर काम में लेते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, इस टाइप के जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो आपके डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये जो भी आपके होंगे ये आपके लो वोल्टेज के लिए काम में लेते हैं, इसलिए इसमें जो लॉसेज होते हैं वो भी आपके कम काम में ले जाते हैं। तो इनको अपन इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, इनका जो लॉसेस होते हैं वो भी आपके कम होते हैं, को बोलते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। देन है मेजरमेंट ट्रांसफॉर्मर, जो आपके मेजरमेंट होते हैं वो आपकी वोल्टेज करंट और पावर को मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है। जहाँ पे आपके डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वहाँ पे आपको वोल्टेज कितना आ रहा है उसको मेजर करने के लिए अपन मेजरमेंट ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं। देन फोर्थ आपका प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर, ये आपके ट्रांसफार्मर होते हैं वो प्रोटेक्शन के लिए सुरक्षित के लिए काम में लिए जाते हैं। जैसे कहीं पे आपके कंपोनेंट मस्ट बी प्रोटेक्ट फ्रॉम वोल्टेज फ्लक्शंस, आपका वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए अपन ट्रांसफार्मर काम में लिया जाता है। इस तरीके से आपके लोकेशन के अनुसार अलग अलग जगह पे अपन इस चार टाइप के ट्रांसफॉर्मर काम में लिए जाते हैं। देन है आपका डिजाइनिंग, तो डिजाइनिंग के बेसिस पे ट्रांसफॉर्मर को दो टाइप से डिजाइन क्लासिफाई किया हुआ है, एक आपका कोर टाइप है। इन कोर टाइप द वाइंडिंग आर गिवन ए कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द कोर,
तो इसमें आपका एक पर्टिकुलर कोर बना रहता है। द कोयल यूज फॉर दिस ट्रांसफॉर्मर आर फॉर्म वाउंड एंड द आर द सिलेंड्रिकल टाइप। आपका जो भी कोर होगा वो आपके सिलेंड्रिकल टाइप का बनेगा। तो इस टाइप का जो भी ट्रांसफॉर्मर होता है वो स्मॉल साइज का होता है और लार्ज साइज ट्रांसफॉर्मर। इन द स्मॉल साइज द कोर विल बी ए रेक्टेंगुलर इन शेप। अपन ने देखा था कोर का अपन साइज कैसे रखते हैं। एंड द कोयल आर सिलेंड्रिकल, उसके ऊपर सिलेंड्रिकल लपेट दिया जाता है। जैसे आपका ये कोर है इसके ऊपर ऐसे सिलेंड्रिकल की फॉर्म में लपेट दिया जाता है। सिर्फ डेट फिट ओवर हुए क्यूरिक्सन कोर सेक्शंस। इन द केस ऑफ सर्कुलर सिलेंड्रिकल दे हैव ए फेयर एडवांटेज टू हैविंग गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इनकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो अच्छी होती है। तो इसमें क्या होता है, आपका एक लेमिनेटेड कोर होता है, उसके ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइन को लपेटा जाता है। जैसा कि अपन डायग्राम में देखते हैं तो ये आपका कोर होते हैं। तो आपका ये जो आपका फर्स्ट डायग्राम है इसमें दो टाइप की कोर दे रखी हैं। तो इस टाइप का जो कोर होता है वो आपका कोर टाइप होता है। तो इसमें आपकी जो प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पे लपेटी जाती है। तो यहाँ पे जो लेमिनेटेड कोर है ये आपका एल साइज का अपन काम लेते हैं और यू आई का भी काम लेते हैं। तो ये आपका जो लेमिनेटेड कोर ले रहे हैं अलग अलग स्ट्रिप साइज की, ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें जो लॉस होता है एडी करंट लॉस उसको कम करने के लिए अपन इस स्ट्रिप में लेते हैं और एक स्ट्रिप पे बहुत सारे स्ट्रिप लगाएंगे। ठीक है, तो ये जनरली छोटे ट्रांसफार्मर में ये साइज अपन काम लेते हैं, एल साइज या यू साइज। सैंडी कोयल में जो भी आपकी लेयर होती है मैंने बताया वो एक लेयर से दूसरी लेयर को अपन अलग अलग रखते हैं या इंसुलेटर रखते हैं। इसके लिए अपन पेपर ले सकते हैं काम, कॉपर ले सकते हैं या माइक्रो बोर्ड ले सकते हैं। तो जो आपका इसमें जो भी अरेंजमेंट होगा वो आपका जो नीचे जो आपका वोल्टेज रखेंगे अपन लो वोल्टेज रखेंगे और ऊपर अपन हाई वोल्टेज रखेंगे। ठीक है, तो एक ही कोर पे अपन हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज रखते हैं। यहाँ पे ये एक चीज़ ध्यान देने वाली है, तो जो लो वोल्टेज रखते हैं अपन उसको हमेशा कोर के पास ही रखा जाता है, क्योंकि इसको अपन आसानी से इंसुलेटेड करते हैं। द अफेक्टिव कोर एरिया ऑफ द ट्रांसफॉर्मर कैन बी रिड्यूस विद द यूज ऑफ लेमिनेशन एंड इंसुलेशन। तो इफेक्टिव एरिया उसको अपन इंसुलेशन कर देंगे। देन इसकी डिजाइनिंग देखें तो आपका इस टाइप का डिजाइनिंग हो सकता है, ये हो सकता है। इसमें जो अंदर वाली पार्ट है वो लो वोल्टेज, ऊपर वाली आपका हाई वोल्टेज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम है कि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी जो वाइंडिंग है उनको आपको अलग अलग रखना है, उसके लिए अपन इंसुलेशन काम ले लेते हैं, या प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को अलग अलग भी रख सकते हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक ने लगा के अलग अलग रखें। तो यहाँ पे आपका इनपुट वोल्टेज, यहाँ आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पे आपका प्राइमरी और सेकेंडरी को वाउंड किया हुआ है एक दूसरे के ऊपर। तो इसमें जो यहाँ पे वोल्टेज है वो आपका लो वोल्टेज रखेंगे और बाहर वाले पे हाई वोल्टेज रखेंगे। तो ये आपका कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर हो गया। देन सेकेंडरी है सेल टाइप। सेल टाइप में जो भी आपका जो प्राइमरी, इसमें कोर टाइप में क्या होता है, आपका जैसे यहाँ से फ्लक्स निकलेगा जो आपका फाई होता है वो यहाँ से होकर के आपका यहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे कुछ पार्ट होता है वो यहाँ पे चला जाता है, तो आपका फ्लक्स लीकेज हो जाता है।
तो अपन ये तरीका का क्या होता है, लॉस होता है ट्रांसफार्मर। तो इसको रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, जो भी आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसको एक के ऊपर या एक साथ अपन लपेट देते हैं, जिससे मैक्सिमम फ्लक्स एक दूसरे से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे देखिए, सेल टाइप में उस डिसएडवांटेज को रोकने के लिए अपन सेल टाइप का काम लेते हैं। तो इसमें जो भी आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, उसको अपन एक ही कोर के ऊपर लपेटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, यहाँ पे आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होगी, और ये आपका फ्लक्स है, ये एक दूसरे से लीकेज लिंक हो गया है। अब जो भी बच्चा हुआ है वो वापस घूम के आपका यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे आपका वापस इससे कनेक्टेड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो फ्लक्स लॉस हो रहा था वो फ्लक्स लॉस इसमें कम हो जाएगा। इसलिए अपन सेल टाइप, जब आपका हाई वोल्टेज पे काम में लेते हैं, तो सेल टाइप में जो भी आपकी कोर होगी, उसका साइज आपका ई टाइप का रहता है। ई टाइप में आपका ये मल्टी स्टैक का अपन काम में लेते हैं। देन सेकेंडरी देख लीजिए, आपका सेल टाइप में ट्रांसफार्मर, अपन इसमें कंपेरिजन करें तो आपका कोर टाइप और सेल टाइप में, कोर कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है, कोर टाइप में आपकी एक ही विंडो होती है, जबकि आपकी सेल टाइप में कोर के अंदर दो विंडो होती हैं। जो अभी आपकी कोर टाइप में जो आपकी वाइंडिंग होगी वो एन सर्किल रहेंगी, जबकि कोर टाइम में एन सर्किल्स द वाइंडिंग्स। तो इसमें जो कोर में अपन वाइंडिंग ऊपर लपेटते हैं, जबकि सेल में आपके वाइंडिंग के ऊपर कोर आएगा। सिलेंडर इसमें अपन सिलेंड्रिकल वाइंडिंग अपन काम में लेते हैं, जबकि सेल टाइप में सैंडविच टाइप वाइंडिंग अपन काम में लेते हैं। कोर टाइप इजी टू प्रिपेयर, ये आपका सेल टाइप का, ये इसको अपन आसानी से प्रिपेयर नहीं कर सकते। आपका कोर टाइप में होता है वो आपका कूलिंग होता है, वो इजी होता है, और इससे क्या होगा आपका, क्योंकि इसमें जो भी आपका एरिया होता है वो एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में रहता है, यानी बीच में आपका एयर खाली जगह है, तो इसमें से अपन एयर पास कर सकते हैं, इसलिए इसमें जो कूलिंग सिस्टम होता है कोल्ड टाइम में वो अच्छा होता है। सेल टाइम में कूलिंग का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा कॉम्पैक्टिव होता है, ठीक है। तो ये आपके जो डिफरेंट टाइप के ट्रांसफॉर्मर हो गए। नेक्स्ट क्लास में अपन ईएमआईपी क्वेश्चन पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।